अब शेर इनके पास आ चुका था। ये सभी डर जाते हैं। तभी शेर कार की खिड़की से इनके ऊपर अटैक करता है। लड़की शेर को लात मारती है, लेकिन ये आदमी इनको कार से बाहर जाने के लिए बोलता है। अब ये दोनों लड़कियां कार से बाहर चली जाती हैं और आदमी गाड़ी को आगे धक्का देता है, जिससे ये गाड़ी नीचे जा गिरती है। गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और शेर भी घायल था, लेकिन तभी शेर फिर से खड़ा होता है। अंदर ये आदमी भी अभी जिंदा था और गाड़ी के पेट्रोल की टंकी भी फट चुकी थी। तभी शेर इसके सामने आता है। इस अधमरी हालत में भी ये शेर इसे मारना चाहता था। तभी आदमी एक लाइटर निकालता है और जैसे ही शेर इस पर अटैक करता है, ये लाइटर को जला देता है, जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और थोड़ी देर बाद ये आदमी भी यहाँ पर आता है। इसे इसके दोस्त के मरने का बहुत दुख था। अगर इसके दोस्त ने ऐसा नहीं किया होता तो इसकी बेटी आज जिंदा नहीं होती। अब ये लोग यहाँ से फटाफट भागते हैं और एक सेफ जगह जाते हैं। लड़की को शेर ने काट लिया था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर फिर से एक और शेर आता है। ये लड़की उसे देख कर छुप जाती है और अपने पिता को आवाज लगाती है। ये भाग कर वहाँ जाता है और शेर को गन से शूट करता है और शेर यहाँ से भाग जाता है। अब आदमी इन दोनों लड़कियों को एक घर में बंद करता है, क्योंकि ये आदमी अब कुछ अलग ही करने वाला था।